हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल दीपक यूट्यूब चैनल और मैं दीपक। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा पेटीएम पेमेंट बैंक की तरह ही सेम एयरटेल पेमेंट बैंक भी यूपीआई ट्रांजैक्शन करने पे ऑफर निकाल रहे हैं। सेम टू सेम कॉपी करता हुआ ऑफर एयरटेल पेमेंट बैंक की तरफ से आ रहा है, जिसमें आपको ₹50 का कैशबैक मिल सकता है अगर आप यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं। तो कैसे करना है आपको, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप यहां सब्सक्राइब आइकन पर क्लिक करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड की जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हम इस चैनल पर ऑफर और अर्निंग से टेक्निकल वीडियो अपलोड करते रहते हैं, तो आपको उससे हेल्प मिलेगी। तो चलिए अब अपने एयरटेल पेमेंट बैंक की एप्लीकेशन में चलते हैं, माई एयरटेल की एप्लीकेशन में, और वहाँ पर आपको बताते हैं आपको कैसे उसका कैशबैक लेना है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारी एयरटेल पेमेंट बैंक की एप्लीकेशन है, जो कि माय एयरटेल की है, और मैंने यहाँ पर एक एयरटेल पेमेंट बैंक खुलवा रखा है। आपने अगर एयरटेल पेमेंट बैंक नहीं खुलवाया है तो कोई बात नहीं, आपने आपका एक नॉर्मली आप अगर इसमें लॉगिन करते हैं तो आपको एक वॉलेट ओपन करने को मिलेगा। आप वॉलेट को ओपन कर सकते हैं तो भी आप इस कैशबैक ऑफर के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास बैलेंस है ₹2536, जो कि मैं इसी अकाउंट को यूज करता हूँ तेज में और अपने फ़ोन पे में। तो एक अच्छा पेमेंट बैंक है, और यहाँ पर आपको ऑफर सेक्शन पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर मैं ऑफर सेक्शन पर क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑफर सेक्शन पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर बहुत सारे ऑफर दिखाई दे रहे हैं, जो यहाँ पर एयरटेल पेमेंट बैंक की तरफ से चलते हैं। तो यहाँ पर आप एक ऑफर यह देख सकते हैं, 5 पे 50 कैशबैक ऑफर भीम ट्रांजेक्शन पर, यानी कि आप यहां से माय एयरटेल की ऐप से भीम ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको मिलेगा ₹50 का कैशबैक, और आपको 5 ट्रांजेक्शन करना होगा जैसे कि ये यहां पर शो कर रहा है। अब इसके टर्म्स एंड कंडीशन को क्लिक करते हैं कि हमें कितने रुपए सेंड करने होंगे और कहां पर करने होंगे, किसको करने होंगे। तो वो यहां पर टर्म्स एंड कंडीशन को क्लिक करके हम रीड करते हैं। तो देखिए यहां पर टर्म्स एंड कंडीशन खुल गया, और इसके टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि दिस ऑफर इज एप्लीकेबल फॉर ऑल बैंक अकाउंट एंड एयरटेल वॉलेट, यानी कि अगर आपका नॉर्मल वॉलेट हो तो भी आप इसे यूज कर सकते हैं, और आपने यहाँ पर KYC करा के अकाउंट खुला कर रखा है फिर भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं भीम UPI को। आपको नॉर्मली इस ऐप में अपना बैंक अकाउंट ऐड करना होगा, चाहे वो Paytm का हो या फिर एयरटेल पेमेंट बैंक का हो या फिर किसी बड़े अकाउंट जैसे कि SBI, इन सभी का हो। तो यहाँ पर ऑल ट्रांजेक्शन जो करने होंगे वो 5,000 के करने होंगे, मिनिमम 5,000 के आपको ट्रांजेक्शन तो करने ही होंगे। तो इस ऑफ़र के लिए आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल नहीं हो जाएंगे, और ये ऑफ़र Paytm की तरह है, लेकिन Paytm में आपको 10 ट्रांजेक्शन दिए जाते थे तो उनको ऐसा उसमें लिखा हुआ था कि आपने एक ट्रांजेक्शन कर दिया, दूसरा बाकी है, इतने बाकी है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ आपको इस ऑफर में पार्टिसिपेट करने के लिए 5,000 ऑटोमेटिकली ये अकाउंट होगा, और आपको ₹50 फिफ्थ ट्रांजेक्शन पे दे दिए जाएंगे, और जो कैशबैक मिलेगा वो 72 आवर के अंदर मिलेगा आपके सेविंग बैंक अकाउंट में। तो ये भी एक अच्छी बात है कि आपके अकाउंट में मिलेगा। तो यहाँ पर और आपने KYC नहीं करा रखी है तो आपको आपके एयरटेल वॉलेट में मिलने वाला है इसका कैशबैक। तो इस ऑफर को यूज करते टाइम ध्यान रखने की बात यह है, स्पेशल नोट्स ये हैं इसमें, कि आप जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे वो 5 ट्रांजेक्शन यूनिक होने चाहिए, यानी कि आप एक ही आईडी पर बहुत सारे ट्रांजेक्शन कर देते हैं तो यहाँ पर आपको जो 5 ट्रांजेक्शन करने होंगे ये सब यूनिक होने चाहिए। अगर आप एक UPI पे मल्टीपल ट्रांजेक्शन करते हैं, यानी कि एक या दो से ज़्यादा दो या तीन से ज़्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं, तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं इस लाइन को, यहाँ पर वो ट्रांजेक्शन ओनली 1 ट्रांजेक्शन में काउंट होंगे, यानी सिर्फ एक बार वो काउंट होंगे एक ट्रांजेक्शन के लिए। तो आपको जो भी ट्रांजेक्शन करने होंगे वो 5 यूनिक होने चाहिए, यानी कि अलग अलग UPI पे होने चाहिए। तो 5,000 रुपये आपको ट्रांजेक्शन करने होंगे तो आपको उसके बदले में मिलेंगे ₹50 का कैशबैक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो देखने के लिए आपको, या अगर आप इसे यूज करते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।